Hello kids, good morning to all of you. Hope you all are well. This is the worksheet 1. Fill in the blanks. First is, dash is the greatest 2-digit number. Now, 2-digit number hai, to 3-digit jahan se start hoti hai, uske upar jo number hota hai, before number, that is the 2-digit number, right? To that is 99. Uske baad aata hai 3-digit mein 100. Okay, abhi यहाँ पे 2 डिजिट का पूछा है तो 99 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर. अगर आपको पूछ रहे हैं कि 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है तो दैट विल बी 999. ओके, एंड अगर 1 डिजिट में पूछ रहे हैं कि 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है तो दैट विल बी 9, ओनली 9. ओके, नाउ ये सिर्फ हुआ 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. अभी लोएस्ट नंबर कौन सा है, लोअर नंबर, तो कौन सा है लोएस्ट नंबर, कौन सा है 1 डिजिट में, दैट इज़ 1. 2 डिजिट में कौन सा है लोएस्ट नंबर, दैट इज़ 10. ओके, एंड 3 डिजिट में लोएस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज़ 100. जहाँ से भी 3 डिजिट स्टार्ट होती है या 2 डिजिट स्टार्ट हो रहा है, 1 डिजिट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज़ द लोएस्ट नंबर, और जहाँ पे वो एंड होके नेक्स्ट डिजिट स्टार्ट होती है, सपोज़ 1 डिजिट से 2 डिजिट, तो 1 डिजिट में लास्ट नंबर आएगा 9, 2 डिजिट टू 3 डिजिट में लास्ट नंबर आएगा 99, एंड 3 डिजिट टू 4 डिजिट में लास्ट नंबर आएगा 999. ठीक है, इस तरीके से आपको फर्स्ट रीड करना है ब्लैंक को अच्छे से, एंड उसके बाद उसको फिल करना है, ग्रेटेस्ट लिखा है या लोएस्ट लिखा है, उसके बाद आप फिल करेंगे और कौन सा डिजिट है वो भी देखना है, 3 डिजिट लिखा है, 2 डिजिट लिखा है या 1 डिजिट लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट इज 500 प्लस 60 प्लस 7, एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, उसका आपको एक नंबर बनाना है, तो कौन सा नंबर होगा 567, राइट? जो भी बोल रहे हो वही लिखना है, वो मैंने आपको पहले भी समझाया था, सो वहाँ पे आएगा 567. ओके, नाउ थर्ड नंबर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 371 इज, देखो 371 में 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, कहाँ पे है वो, मिडल में, राइट? कौन सी लाइन में है, HTO मतलब टेंस की रो पे है, हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 70. फाइन, नाउ फोर्थ नंबर, 189 ब्लैंक 309. आप लोगों ने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से लर्न करते आ रहे हैं, राइट? कि इसमें कहाँ पे क्या होगा, अगर आगे स्मॉल नंबर है तो इट विल कम लेस देन, अगर आगे जो डिजिट दिया है वो कंपेयर टू नेक्स्ट डिजिट वो अगर बिग है तो वहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, और दोनों डिजिट्स सेम है तो वहाँ पे आएगा इक्वल टू, राइट? ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 189 ब्लैंक 309, 189 309 से स्मॉल है या बिग है, स्मॉल है, तो क्या लिखेंगे वहाँ पे हम, लेस देन. ओके, वहाँ पे लेस देन आएगा. देन फाइव नंबर, 200 ज़ीरो टेंस एंड 9 वंस, क्या है यहाँ पे, 2 है हंड्रेड्स में, 0 है टेंस में एंड 9 है वंस में, तो आंसर विल बी 209. ओके, यहाँ पे सोचना है और फिर लिखना है. ओके, देन सिक्स नंबर, 100s 3 10s एंड 4 1s, तो क्या आएगा, हंड्रेड्स में है 1, टेंस में है 3 एंड 1s में है 4, तो आंसर विल बी 134, राइट? सेवेंथ इज अगेन एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, आपको उसका नंबर बनाना है, सो 300 प्लस 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 344, राइट? एट नंबर इज 524 प्लस 312 इज इक्वल टू डैश प्लस 524. दोनों साइड्स मैंने आपको बताया था कि इक्वल ही होती है. हम लोगों ने ये जो लर्न किया था ना, वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के नंबर फैक्ट्स में किया था, कि एडिशन फैक्ट्स में भी ये किया था एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट में भी यही किया था, कि अगर ये है तो सामने वाला नंबर भी सेम ही आएगा. अगर इसमें से मैंने आपको बताया था 3 नंबर्स से, कि 3 नंबर में अगर 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 हो रहा है, तो 5 प्लस 9 भी 14 ही होगा, है ना? देन 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, तो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू
14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, वो मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स जब करवाए थे तब करवाया था। तो दिस इज़ द सेम कि 500 जैसे 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14 वही आता है। तो यहाँ पे भी सेम है, 524 प्लस 312 इज इक्वल टू 312 प्लस 524 इज इक्वल टू आंसर विल बी द सेम। ओके, देन 0 प्लस 426 इज इक्वल टू कोई भी नंबर के साथ उसका एडिशन एंड या सब्ट्रैक्शन नंबर विल बी द सेम। सो यहाँ पे आंसर होगा 426। फाइन, लास्ट इज 257 प्लस - इज इक्वल टू 257। 257 आपको सेम नंबर मिल रहा है, मतलब उसका एडिशन हो रहा है ज़ीरो से, राइट? तो वहाँ पे आप लिखेंगे ज़ीरो, 257 प्लस 0 इज इक्वल टू 257। नेक्स्ट इज राइट द एक्सपांडेड फॉर्म फॉर द गिवन नंबर्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, आपको नंबर्स दिए गए हैं और उसका आपको एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। 390 जो बोल रहे हो वही लिखना है, मैंने आपको पहले भी समझाया था ये जब हमने प्रैक्टिस की थी, रिविज़न ले रहे थे तब। 390 तो बोल रहे हो वही लिखना है, 300 प्लस 90। वंस में कोई भी नंबर नहीं बोल रहे हो तो वहाँ पे आएगा ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट इज 658 जो बोल रहे हो वही लिखना है, 600 प्लस 50 प्लस 8। ओके, देन 421 400 प्लस 20 प्लस 1। ओके, देन फोर्थ नंबर इज 777 जो बोल रहे हो वही लिखना है, 700 प्लस 70 प्लस 7। देन ऑन द फिफ्थ नंबर 375 जो बोल रहे हो, जैसे 300 प्लस 70 प्लस 5। नेक्स्ट इज 190 वही लिखो, 100 प्लस 90, वंस में कोई भी नंबर नहीं है तो ज़ीरो। देन 304 यस, यहाँ पे क्या करना है, 300 टेंस में आप कुछ भी बोल रहे हो नहीं, सो नहीं, हाँ आपने 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, 00 प्लस 4। ओके, देन 826 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 800 प्लस 20 प्लस 6। ओके, सो 826। नाउ यहाँ पे देखो, राइट द नंबर्स, क्या लिखा है, 100 मोर देन 240, मतलब 240 में आपको 100 ऐड करने हैं। मोर देन का मतलब होता है कि आपको उसमें ऐड करना है, सो 100 मोर देन 240, मतलब 240 में आप 100 ऐड करेंगे, यू विल गेट द आंसर 340। ओके, नेक्स्ट इज 200 मोर देन 627, तो 200 मोर देन 600, मतलब 627 में आपको कितने ऐड करने हैं, 200, आंसर विल बी 827। देन 300 मोर देन 650, 650 में आपको 300 ऐड करना है तो यू विल गेट द आंसर 950। आप इसमें माइंड काउंटिंग कर सकते हो, जैसे माइंड से हम लोगों ने काउंट किया था, टेंस की वैल्यू, वंस की वैल्यू, वंस की वैल्यू, टेंस की वैल्यू एंड हंड्रेड्स की वैल्यू, उस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, राइट? देन 400 मोर देन 200, तो 400 मोर देन 200, मतलब 200 में आपको 400 ऐड करने हैं, यस। तो क्या करेंगे, उसका एडिशन होगा एंड आंसर विल बी 600। ओके, देन 500 मोर देन 120, 120 में 500 ऐड करने हैं, क्या आएगा आंसर, 620। देन 900 मोर देन 12, देखो यहाँ पे है वो हंड्रेड्स की वैल्यू में कुछ भी नहीं है, राइट? सो आप एडिशन सिंपली करेंगे ना, तो आपको 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1 एंड 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, सो यू विल गेट द आंसर 912। ओके, नेक्स्ट इज राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यू नो दैट असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बिग स्मॉल टू बिग नंबर्स होते हैं, राइट? असेंडिंग ऑर्डर इट मींस स्मॉल टू बिग नंबर्स। तो
तो एवरी टाइम यू हैव टू चेक, हंड्रेड्स की लाइन में आपको फर्स्ट अंडरलाइन करनी है एंड हंड्रेड्स का जो भी डिजिट है उस पर आप अंडरलाइन करेंगे, वहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे या कि हाँ विच वन इज़ द बिगेस्ट वन या स्मॉलेस्ट वन, अगर डिसेंडिंग है तो बिगेस्ट वन एंड असेंडिंग में आप अरेंज कर रहे हो तो स्मॉलेस्ट वन, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। सो 56, 802 and 256 and 589, फर्स्ट अगर जाएंगे हंड्रेड्स की लाइन में तो फर्स्ट में टू डिजिट है मतलब आगे आएगा ज़ीरो, सो 056 लिखेंगे, सो ज़ीरो पे अंडरलाइन करनी है, एट पे अंडरलाइन करेंगे, टू पे करेंगे एंड फाइव पे करेंगे, देन जस्ट गो थ्रू दिस कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ज़ीरो आएगा यस, सो लिखेंगे 56 फर्स्ट, देन 256, देन 589 एंड 802। जैसे ऑर्डर में आप फॉरवर्ड काउंटिंग करते हो ना 1 to 9 का, उसी ऑर्डर में आप काउंटिंग करेंगे तो आपका ये जो असेंडिंग ऑर्डर वाला जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, राइट। देन 216, 110, 852 एंड 546। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना तो इसमें समझ में आ जाता है कि हाँ दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज़ द बिगेस्ट नंबर, तो फर्स्ट विल बी 110, देन 216, देन 546 एंड 852। इन द थर्ड लाइन 892, 987, 108 एंड 1000। कैसे आएगा, फर्स्ट विल बी 108, then 892, then 987 and last will be with the 4 digit, so that is 1000, okay, the smallest number of 4 digit. Then 420 369 258 and 147, which will be the smallest number, that is 147, then it will come 258, then 369 and 420, okay. Then on the fifth line, 741 852 963 and 123, so which will be the smallest number, yes 123, then upper number aega 741, then next is 852 and 963, right. Is tarike se aapko ye complete karna hai. Then descending order, descending order it means bigger to smallest digit पे जाना है, first आएगा वो big digit आएगा और उसके बाद small one, big to small होता है, right, descending order में. So let's check 561 456 654 and 231, so which will be the biggest number, biggest number is 654, then it will come 561, then 456 and 231, right, this is the way it will come. Then next line 1121 532 693, so which will be the biggest number, that is with the 4 digit and this is a 1000, so 1000 plus 693 plus next will be the 532 and last will be 121, okay. Next, in next line 854 753 425 and 628. Now which is the biggest number, that is 8, so 854 753 628 and 425. Now over here what you have to do is, whenever you are going to do descending order, you just go through the backward counting of 10 to 1, ठीक है, 10 to 1 का backward counting करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वहाँ पर backward counting में जो first number आ रहा है वहाँ से आपको start करना है. Suppose 10 will be there, so अगर single digit है तो आपको पता चलेगा हाँ अगर 10 है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है. इसी तरीके से
थ्री डिजिट है तो भी, जैसे मैंने आपको बताया 100 पे अगर लाइन कर रहे हो तो आपको बैकवर्ड काउंटिंग में आपको समझ में आएगा कि विच वन नंबर विल कम फर्स्ट। सो अगर आपकी रो में वहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हैं वहाँ पे 8 है, 9 है, सारे नंबर्स आपको बैकवर्ड काउंटिंग बोलते हुए चेक करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर एंड दैट विल बी राइट। कहीं पे शायद रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्टली जब भी आप कोई भी एक डिजिट लिख देते हो तो उसको वहाँ पे क्रॉस कीजिए तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। फिर से वो अगर डिजिट रिपीट हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो जब भी कोई भी डिजिट लिखते हैं तो वहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर बाकी के जो भी डिजिट्स हैं उसमें से ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज 147, 528, 258 and 852। तो क्या करना है वहाँ पे, चेक द बिगेस्ट नंबर दैट इज़ 852, देन नेक्स्ट विल बी 528, नेक्स्ट इज 258 एंड लास्ट विल बी 147। ठीक है, इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करना है। ट्राई कि आप बैकवर्ड काउंटिंग से काउंट करो तो एक भी नंबर रॉन्ग नहीं होगा एंड एक भी लाइन भी रॉन्ग नहीं होगी। फाइन, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको आगे जो नंबर दिया है मतलब फर्स्ट रो में, दैट इज़ 297 ब्लैंक 131, आगे जो डिजिट है वो पीछे जो दूसरा नंबर दिया है उससे बिग है या स्मॉल है उसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू की साइन रखेंगे। इसमें फर्स्ट में है 297 ब्लैंक 131, सो आई कैन फाइंड दैट 297 इज़ बिगर नंबर देन 131, सो व्हाट आई विल राइट इज़ ग्रेटर देन, मतलब 297 इज़ ग्रेटर देन 131, राइट। नेक्स्ट डिजिट इज़ 956 ब्लैंक 865, सो 956 इज़ ऑलवेज मोर देन, यस, 865, सो यू विल राइट ग्रेटर देन, ओके। एंड ऑन थर्ड नंबर 526 ब्लैंक 851, सो 526 इज़ मोर और लेस देन 851, लेस, राइट, सो यू विल राइट लेस देन। देन 756 ब्लैंक 351, 756 इज़ द बिगर नंबर देन 351 और स्मॉलर नंबर बिगर नंबर, सो यू विल राइट ग्रेटर देन। नेक्स्ट इज 421 ब्लैंक 795, 421 इज़ द बिगर नंबर देन 795 और स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, राइट, 421 इज़ द स्मॉलर नंबर देन 795, सो यू विल राइट लेस देन। देन 400 ब्लैंक 400, बोथ द नंबर्स आर सेम, सो यू विल राइट इक्वल टू। देन 231 ब्लैंक 231, बोथ द नंबर्स आर सेम, सो यू विल राइट इक्वल टू। देन लास्ट इज 856 ब्लैंक 920, सो 856 विल बी द बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर देन 920, इट्स द स्मॉलर नंबर, राइट, 856 इज अ स्मॉलर नंबर देन 920, सो यू विल राइट लेस देन। ओके, दिस इज़ द वे यू हैव टू सॉल्व दिस। ईजी है, थोड़ा सा सोच के करना है, नथिंग एल्स इज देयर। अगर लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन की साइन लिख रहे हो तो आपको सोचना है कि आगे जो डिजिट है वो नेक्स्ट डिजिट दिया है उससे स्मॉल है या बिग, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेटर देन और लेस देन की साइन वहाँ पे रखेंगे। दोनों नंबर सेम है तो यू नो दैट इट विल कम इक्वल टू। फाइन, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।